तो इस वीडियो में मैं करूंगा इस किंडल पेपर वाइट, जो दिखने में टैबलेट है लेकिन असली में ये टैबलेट नहीं है, ये एक ई रीडर है, इसकी मैं करूंगा अनबॉक्सिंग और ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखते रहिए। तो आपके सामने पेश है ब्रांड न्यू किंडल पेपर वाइट, जो दिखने में एक टैबलेट लगता है लेकिन एक्चुअली एक ये ई रीडर है। और आप देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अगस्त 2017। और इसके अंदर देखें तो एक केबल है, एक यूएसबी केबल है और एक किंडल पेपर वाइट है। और आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 11,000 रुपीज़। और ये एक अमेज़न का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन किया और आप देख सकते हैं इसके ऊपर अमेज़न लिखा हुआ है, क्योंकि किंडल पेपर वाइट अमेज़न का ही एक प्रोडक्ट है। अब इसको ओपन करते हैं। इसका सबसे पहले किंडल पेपर वाइट का एक मैनुअल है जिसमें पूरी तरीके से समझाया गया है कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके बारे में सारी डिटेल्स। और इसके अंदर निकलेगा हमारा किंडल पेपर वाइट। तो ये आपके सामने आ गया हमारा टैबलेट जैसे दिखने वाला एक ई रीडर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसके पावर स्विच है नीचे। इस पावर स्विच को मैं प्रेस करता हूँ और ये हमारा किंडल पेपर वाइट ओपन हो गया। आप देख सकते हैं ये इसका होम पेज है और ये आप सारी बुक्स देख रहे हैं, इन सारी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। होम पेज पे सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं और आप चाहें कोई भी बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये होम बटन है इसका और ये जैसे मैंने कोई भी एक बुक ओपन करी APJ अब्दुल कलाम की, आप देख सकते हैं आप ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आप इसके पेजेस टर्न आउट कर सकते हैं आराम से, जस्ट आपको क्लिक करना है और इंट्रोडक्शन वगैरह पूरी बुक आपके सामने आ गई है आपके हाथों में। और ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है और इस पर कोई भी बटन नहीं है। और आप इसका फॉन्ट एनलार्ज कर सकते हैं, ये देखिए इसका फॉन्ट एनलार्ज हो गया। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनको बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक होता है, जो दिन रात बुक्स में लगे रहते हैं और अपनी आंखें वीक कर लेते हैं क्योंकि बुक्स पढ़ने से डायरेक्ट आंखों पर स्ट्रेन आता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसको इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है कि ये आपकी आईज को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो आपकी आईज पर इतना स्ट्रेन नहीं डालेंगी। और ये एक ब्लैक एंड वाइट है, इसको कलर नहीं बनाया गया है इसी वजह से ताकि यूजर्स की आंखों पर कम से कम प्रभाव पड़ सके। और ये सनलाइट में भी काम करता है, सनलाइट में भी ऐसा ही दिखता है। और आप इसको सनलाइट में जाकर यूज़ कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं जो लोग उनके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ढेर सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसमें एक सेटिंग का बटन होता है, आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए ये हमने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी और आप और इसमें ऑप्शंस हैं काफ़ी, जैसे स्टोर का ऑप्शन है, ये अमेज़न का ही एक स्टोर है। और ये वाईफाई का ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाईफाई अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना वाईफाई से भी काफ़ी सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसमें माई लाइब्रेरी देख सकते हैं, ये वो बुक्स हैं जो हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं। और वापस से होम पे आ जाइए और आपको इसमें मिलेगा एक्सटर्नल ब्राउज़र जिसमें आप लाइट वेबसाइट को चला सकते हैं, जैसे विकिपीडिया, गूगल, ऐसे छोटी मोटी वेबसाइट्स जो हैं वो चला सकते हैं। और बाकी इसमें बात करें तो इसमें आपको एक अमेज़न का स्टोर भी मिला जहाँ से आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और जो बुक्स प्रीमियम है यानी कि पैसे देकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वो बुक्स भी आपको रीड करने के पर्पज़ से तो मिल जाएंगी। आप इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ढेर सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए तो एक बहुत बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स एक साथ लेकर नहीं जा सकते। जिनको बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक होता है, आप सीधे सीधे आपको जो बुक्स पसंद है उस बुक्स को डाउनलोड कीजिए और कभी भी जो आपका मन हो वो बुक आप खोल के पढ़ सकते हैं। और काफ़ी लाइट है ये। अब चलिए इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं आप किसी भी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं जस्ट प्रेस करके। देखिए आप किसी भी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं और किसी भी वर्ड का मतलब जान सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड पे क्लिक किया ट्री, अब मैंने ट्री वर्ड को क्लिक किया और इसकी डिक्शनरी खुल गई। देख सकते हैं आप इससे अपनी वोकेबलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको बार बार डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो कोई वर्ड समझ में आता बार बार डिक्शनरी उठानी पड़ती है, लेकिन आप इसमें किसी भी वर्ड का मतलब देख सकते हैं और बस आपको एक प्रेस करना होता है, पेज टर्न आउट हो जाएंगे आराम से इसके।
तो इसके जो फीचर्स हैं, आप इसमें बुकमार्क भी सेव कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसका डिक्शनरी दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप किसी भी वर्ड को आराम से देख सकते हैं, और चाहे कितने भी धूप पड़ रही हो, कितनी भी सनलाइट हो, आप इसकी स्क्रीन आराम से देख सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ा के आपको क्लियरली इसकी स्क्रीन विजिबल होगी। और बात करें इसके साथ में, आपको मिलेगा चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं इसको, पावर बटन मिलेगा, और इसके अलावा इसमें कोई भी फालतू का बटन नहीं है। और पीछे लिखा हुआ है Amazon, क्योंकि Amazon का ही एक प्रोडक्ट है। अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो आपको 6 इंच का स्क्रीन मिलेगा, और आप देख सकते हैं इसका बैटरी बैकअप इसका काफ़ी शानदार है। आप इसको हफ्तों भर तक चला सकते हैं, एक बार चार्ज करने के बाद एक हफ्ते तक बैटरी आराम से चल सकती है इसकी। और इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे कि स्टोर हम आपको बता चुके हैं, वाईफाई से कनेक्ट करके कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इसका होम बटन। और चलिए इसके बारे में और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको इस बॉक्स में। तो आपको इसका चार्जिंग करने के लिए केबल मिलेगी, और इससे आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनल रिव्यू की। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बुक्स के शौकीन हैं। अब इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें, आप देख सकते हैं 11,000 रुपीज़ है, इसको 11,000 रुपीज़ में परचेज किया गया है। और ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जैसे चाहें आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा, क्योंकि अभी अमेज़न पे इलेक्ट्रॉनिक सेल चल रही है, और उस सेल में आपको काफ़ी इसमें छूट मिलेगी। और अगर परचेजिंग लिंक की बात करें, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका परचेजिंग लिंक डाल दिया है, आप अगर इसको परचेज करना चाहें तो उस लिंक से परचेज कर सकते हैं, और आपको काफ़ी ऑफर्स मिलेंगे उस पर। सो फाइनली, अगर आपको एक छोटा सा एक रिव्यू पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये किंडल कैसा लगा। और अगर आप ऐसे ही रिव्यूज़, नए नए गैजेट्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे ही नए नए तरह के गैजेट्स के रिव्यू लाता रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।